वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन साइबर बग साइबर सिक्योर। तो आज मैं एक कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया हूँ। अगर आपको पता हो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के लिए मोबैक्सलर में लेके आया था, और यहाँ पे मैं अभी वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के लिए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम लाया हूँ जिसका नाम है समुराय। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, समुराय OS एंटर करना है, देन यहाँ पे देखो समुराय WTF ओके .org। ये OS का समुराय WTF है, और ये बेस्ट सिक्योरिटी ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है आपके वेब एप्लीकेशन के लिए। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने वर्चुअल बॉक्स या VMware में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन वीडियो जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप कैसे पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसे में इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। वैसे देखा जाए तो मैं इंस्टॉलेशन दिखा सकता हूँ, लेकिन उतना टाइम जो है वो हमारा चले जाता है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। ठीक, तो इंस्टॉलेशन वीडियो आप मेरे पिछले वीडियो को जा करके देख सकते हो जहाँ मैंने पैरोट को इंस्टॉलेशन आपको बताया था कैसे क्या इंस्टॉल करना है। आप अगर इसको देखोगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन इसको डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड VM पे चले जाना है। आप जैसे ही डाउनलोड VM पे क्लिक करते हो वैसे ही आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाता है। थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड VM क्लिक कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा समय लेता है डाउनलोड होने में। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, ऑटोमेटिकली ये ISO फाइल जो है आपको डाउनलोड करके देता है। देन उसके बाद मैंने इसको ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे समुराय OS, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद फेल टू ओपन समुराय वर्चुअल मशीन, ओके वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने अपनी डिस्क की परमिशन नहीं ली क्योंकि मैंने समुराय OS मेरे दूसरे डिस्क पे सेव करके रखा हुआ है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, अब ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, के उबंटू इसमें चलता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, मोबैक्सलर जो है उस पर आप मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो पेन टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको लैब्स मिलते हैं, ठीक है, जो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लैब्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। आपको अलग से कोई भी लैब को इंस्टॉल नहीं करना है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे देखो समुराय WTF वेब टेस्टिंग फ्रेमवर्क, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही जाते हो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जाना है, ठीक है, आपको समुराय पे जाना है। समुराय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। ठीक है, रिकॉन मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है उसके लिए आपको टूल्स मिल जाते हैं। देन उसके बाद आपका अगर आप देखोगे तो मैपिंग के लिए आपको टूल मिल जाते हैं, पोर्ट स्कैनिंग, फिंगरप्रिंटिंग, प्रॉक्सीज, वेब सर्विसेज, देन एक्सप्लॉटेशन, डिस्कवरी, टारगेट्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टारगेट है, टारगेट में आपको लैब मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो टारगेट्स हैं यहाँ पे आपको लैब मिल जाते हैं। एक्सप्लॉटेशन में आपको एक्सप्लॉट के टूल्स मिलता है जैसे कि SQL, XSS, देन उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पेलोड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर आपको लैब को एक्सेस करना है, अगर आप चाहते हो कि मुझे वेब पेन टेस्टिंग के जो लैब्स है वो मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे सिंपल लैब्स पे चले जाना। देखो यहाँ पे बहुत सारे लैब्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं BWeb जो है वो ओपन करता हूँ। अगर आपने मेरा पिछला एक वीडियो नहीं देखा है कि शायद से मैंने HTML इंजेक्शन और XSS इंजेक्शन का एक वीडियो डाला था BWeb का, तो इसका भी मैं ट्यूटोरियल जो है वो लाते रहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो HTML इंजेक्शन है, देन उसके बाद LDAP है, OS कमांड है। यहाँ पे आप जैसे ही HTML इंजेक्शन पे जाओगे यहाँ पे आपको हैक पे क्लिक करना है। हैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन करता हूँ। ठीक है, H1 या H2 आप कोई भी स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। तो यहाँ पे वेट H2 H1 एंड गो। ठीक है, ये देखो ये मेरे जो HTML इंजेक्शन है, HTML कोड है वो रन हो चुकी है। देन आपके पास DVWA, ठीक है, DVWA करके भी है, DV
WA, ठीक है, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, आप इसको भी रन कर सकते हो। ओके, ये देखो अब इसका जो यूजर नेम और पासवर्ड, आई थिंक एडमिन और एडमिन है जहाँ तक मुझे लगता है, DMIN। लॉगिन करता हूँ मैं, लॉगिन फील्ड दिखा रहा है टेस्ट। ओके, आई थिंक इसका मैंने सेट किया था या फिर ठीक है, एक बार डैम वल्नरेबिलिटी देख लेना, हम एक बार चेक कर लेते। डिफॉल्ट यूजर पासवर्ड, ठीक है, DBWA, इसके डिफॉल्ट लॉक। ओके, एडमिन पासवर्ड है, मैं जब से एडमिन एडमिन ट्राई कर रहा था, एडमिन पासवर्ड लॉगिन, ये देखो ये हो गया आपका चालू। सेव करके रख देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रूट फोर्स, कमांड इंजेक्शन, CSRF, फाइल इंक्लूजन, SQL इंजेक्शन, देन ब्लाइंड SQL, आपका जो है RFI, LFI यहाँ पे आता है, देन एक्सेस रिफ्लेक्टेड। एक्सेस रिफ्लेक्टेड में ऐसे कि अगर मैं आप इसको स्क्रिप्ट पुट करता हूँ, ठीक है, स्क्रिप्ट अलर्ट 9 स्लैश स्क्रिप्ट देन सबमिट। ओके, यहाँ पे मेरी जो अलर्ट की स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे चली नहीं। ओके, चलनी चाहिए थी स्क्रिप्ट, CRIPT अलर्ट 9 स्लैश स्क्रिप्ट। अच्छा, अभी सबमिट नहीं हो रही है ये। ओके, तो आई थिंक DBW पे चल जाती है, इस पर स्क्रिप्ट नहीं चल रही। मैं काम कर पाता, HTML स्क्रिप्ट चला कर देखता हूँ इसको। हेलो H1 सबमिट। हाँ, ये देखो स्क्रिप्ट चल रही है मेरी, ठीक है। वही तो बोलो कि स्क्रिप्ट चल क्यों नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट भी मेरी प्रॉपरली चल रही है। तो आप यहाँ पे जितने भी क्या कहते हैं लैब्स है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस आप इसकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। आपकी यहाँ पे लो सिक्योरिटी आती है, मीडियम सिक्योरिटी आती है, एंड हाई सिक्योरिटी आती है। आप जैसे जैसे अपने लेवल को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका ये जो लैब है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा, एंड आपको इससे काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो लैब्स पूरे करो, और इसके अंदर एक और लैब मैंने देखा था जो OWASP के तरफ से आता है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। टारगेट में आई थिंक ये है, PHP बेस्ड विथ मल्टीपल सिक्योरिटी लेवल जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर बेसिक वेब ऐप फॉर टेस्टिंग, चेक कर लेते हैं दोनों। हाँ, ये एक बेसिक वेब ऐप है, एंड एप्लीकेशन समुराई टारगेट। इसके लैब्स काफ़ी अच्छे, एक बार आपने लैब कर लिया ना तो देखना नहीं पड़ता आपके, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। तो ये रहा, हाँ ये देखिए, ठीक है। OWASP 2013 में जितने भी लैब्स यहाँ पे हैं वो सारे के सारे लैब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, देन OWASP 2010, 2007। तो ये जो तीनों लैब है वो आपको देखने को मिलते हैं, वेब सर्विसेज, HTML, काफ़ी बढ़िया है ये भी। तो ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये तीन लैब है आपके, DBWA, BWAP एंड देन मल्टी डे, एंड ये डोजो बेसिक करके एक है, ठीक है। तो ये लैब्स आप कर सकते हो, बाकी इसके अंदर आपको टूल्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रेकॉन टूल है इसके अंदर, एक्सप्लोरेशन टूल है, पेलोड टूल्स है, काफ़ी बढ़िया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेनली मुझे इसका लैब पर्पस काफ़ी अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। साइबर बग साइबर सिक्योर को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, लाल बटन को जो है हैक कर लो, या उसके अंदर एक्सप्लॉइट कर दो, या फिर उसके अंदर पेलोड इंजेक्ट कर दो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।